नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहला प्रश्न है इसका, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक प्रतिनिधि होंगे, 4, 5, 6, 7। सही आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र हुआ था 10 जनवरी 1945 को, 10 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1947 को या 10 जनवरी 1948 को। इसका सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र हुआ था 10 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा का कार्यक्षेत्र चार्टर के अनुच्छेद 4 तथा 5 में दिया गया है, या 6 तथा 10 में दिया गया है, या 10 तथा 17 में दिया गया है, या फिर चार्टर के अनुच्छेद 17 और 25 में दिया गया है। इसका सही आंसर है चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है महासभा द्वारा, महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव द्वारा। इसका सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है महासभा द्वारा। लिटिल असेंबली सृजित की गई है सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा द्वारा, महासचिव द्वारा या G8 द्वारा। इसका सही आंसर है महासभा द्वारा। नेक्स्ट, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव बंधनकारी होता है, बंधनकारी नहीं होता है, बंधनकारी होता है और नहीं भी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है इसका, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव बंधनकारी होता है और नहीं भी। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 5, 9, 10 या 15? सही आंसर है 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने राज्य स्थायी सदस्य हैं, 10, 7, 5 या 12? सही आंसर है इसका 5। वीटो शक्ति दी गई है चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को। भारत, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को। ईरान, भारत, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को। इसका सही आंसर है चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर? इसका सही आंसर है 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 स्थायी, 5 स्थायी या 10 अस्थायी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है 5 स्थायी, 10 अस्थायी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5, 10, 12, 15। सही आंसर है 10। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मूल सदस्य संख्या क्या थी, 15, 11, 9 या 10? सही आंसर है इसका 11। निम्न देशों में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, चीन, इंग्लैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान? सही आंसर है इसका जापान। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5, 10, 12 या 15? इसका सही आंसर है 10। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मूल सदस्य संख्या क्या थी, 15, 11, 9, 10? आंसर है इसका 11। निम्न देशों में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, चीन, इंग्लैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जापान? सही आंसर है जापान। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, द हेग में? सही आंसर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार अनुमन्य है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 47? आंसर है इसका अनुच्छेद 51 में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को के हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 में, 15 अगस्त 1943 में, 26 जनवरी 1946 में या 30 दिसंबर 1941 में? इसका सही आंसर है 26 जून 1945 में। यूएनओ की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को,
24 अक्टूबर को, 26 नवंबर को या 10 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है यूएनओ के वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र के रूप में विकसित करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायोजन उपबंधित हैं? अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद चार। इसका सही आंसर है अनुच्छेद एक। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के निम्न किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद एक, दो, तीन या चार? इसका सही आंसर है अनुच्छेद एक। आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है उत्तराधिकार से, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से, राज्य क्षेत्राधिकार से या मान्यता से? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, यह कथन है ओपनहाइम का, हॉलैंड का, कैल्सन का या पोलॉक का? सही आंसर है कैल्सन का। आत्मनिर्णय का अधिकार सामूहिक मानवाधिकार है, वैयक्तिक मानवाधिकार है, सामूहिक एवं वैयक्तिक दोनों मानवाधिकार हैं या कोई अन्य मानवाधिकार है? आंसर है सामूहिक एवं वैयक्तिक दोनों मानवाधिकार हैं। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1944, 1945, 1946, 1948? इसका सही आंसर है 1948। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.7 सिद्धांत निर्धारित करता है इन सात सिद्धांतों में से कितने संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित हैं? 3, 4, 2, 5? सही आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है? अनुच्छेद 2.7 में, 2.3 में या 2.38 में यानी 238 में या अनुच्छेद 4.9 में? इसका आंसर है अनुच्छेद 2.7 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्र के निष्कासन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1.2 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 51 में? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 6 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान सन्निविष्ट करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 4। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य द्वारा सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को कहा जाता है अभिव्यक्ति मान्यता, सशस्त्र मान्यता, सामूहिक मान्यता या तथ्यतः मान्यता? आंसर है सामूहिक मान्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य जिसने बार बार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन किया है वह संघ से निष्कासित किया जा सकता है? इसका आंसर है सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर सामान्य सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से दो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं हैं? इसका आंसर है ब, यानी 1 और 3, न्यायसेता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं संगठन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कर सकता है? आंसर है सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र बल निधि।